नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आपका, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर में बात उस स्कूल की जहां नकल करने से रोकने पर एक टीचर के बेरहमी से पिटाई कर दी गई। टीचर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने 11वीं क्लास के छात्र को नकल करने से रोकने की कोशिश की थी। कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक अध्यापक की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि अध्यापक ने उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं था। टीचर की पिटाई, टीचर का कत्ल, टीचर के साथ बदसलूकी, आखिर देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? जहां माँ बाप बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, वहीं टीचर्स पर हमला करने वाले बच्चों को क्या कहा जाए? स्कूल में टीचर पर दिन दहाड़े हमला, नकल से रोका तो टीचर की धुनाई, टीचर पर कुर्सियों से जानलेवा हमला। क्लास में छात्र को नकल से रोकने पर टीचर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हैरान कर देने वाली ये खबर बराड़ा के मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल की है, जहां स्टूडेंट को नकल करने से रोकने पर टीचर को बुरी तरह से पीटा गया। 11वीं क्लास का मंथली टेस्ट चल रहा था। स्टूडेंट नवदीप नकल कर अपना पेपर लिखने लगा। लेक्चरर मुकेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। नवदीप की नकल जारी थी। मुकेश ने जोर देकर नकल रोकने की कोशिश की। फिर क्या था, नवदीप ने परिजनों को फोन किया और स्कूल बुला लिया। जैसे ही टेस्ट खत्म कर लेक्चरर मुकेश क्लासरूम से बाहर निकले, तीन लोगों ने शिक्षक मुकेश पर हमला कर दिया। कुर्सी से लेक्चरर के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। तीन आदमी आए, अब मैंने उनको रोका, पूछा भी आप इसलिए आए, वाजी लेक्चरर से मिलना मैंने, वो मेरे से पूछ के अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने उसकी लेक्चरर की पिटाई करनी शुरू कर दी। जिसकी पिटाई की, उसका नाम क्या है? मुकेश कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश। तो जिन्होंने पिटाई की उनका नाम नहीं पता? एक का नाम पता मेरे को, तो गुरचरण सिंह। आरोपी छात्र नवदीप सिंह 11वीं क्लास का छात्र है। नवदीप के पिता गुरचरण सिंह पर लेक्चरर से पिटाई का आरोप। स्कूल लेक्चरर के साथ मारपिटाई की खबर सुनते ही स्कूल में सनसनी मच गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी अध्यापक स्कूल के गेट पर धरना देने लगे। अध्यापकों के मुताबिक पुलिस हमलावरों को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है। पेपर चल रहा था मंथली टेस्ट बच्चों का, और टीचर ड्यूटी पे था। एक बच्चा नकल कर रहा होगा बार बार, उसको हटाया उसने, उसके बाद फिर नहीं माना, उसको सीधा करके बिठा दिया उसने, तो उसने पेपर ठीक ठाक दिया। उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया और उसके पेरेंट्स ने आते ही उसके कुर्सी मारी, जिससे वो कर्मचारी था हमारा घायल हो गया। हम उसको तुरंत सीएमसी में लेके गए और उसके बाद हमने वहाँ पे पुलिस कार्रवाई जो भी थी वो पूरी करी। धरने का कारण तो ये है कि उसको अरेस्ट करो, उसको गिरफ्तार करे पुलिस। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इधर पुलिस ने आरोपी गुरचरण सिंह और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच का दावा किया जा रहा है। टीचर ने उसको नकल करने से मना किया, वो मना करने पे पेपर देने के बाद जो है ना, बच्चा अपने घर चला गया। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को, पिताजी को साथ लेके और दो अन्य को लेके स्कूल में आया और उसने इंग्लिश टीचर मुकेश नाम का टीचर था ये, इसके साथ मारपिटाई कर ली, जो इस वन में हमने मामला दर्ज कर लिया है और अभी इंक्वायरी जारी है और शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीचर के साथ स्टूडेंट्स की गुंडागर्दी का ये कोई नया मामला नहीं है। एक के बाद एक बढ़ती घटनाएं इस बात का सबूत है कि हरियाणा के स्कूलों में शिक्षा का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि अब टीचर्स के लिए स्कूल में जान के लाले पड़ गए हैं। इससे पहले 26 नवंबर को मेवात में गांव नांगल मुबारकपुर में छात्र को डांटने पर महिला अध्यापक के पति की पिटाई कर दी गई थी। टीचर का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने क्लास में बच्चों को झगड़ा करने से रोका था, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने घर आकर भी टीचर से झगड़ा किया। माफी मांगने के बावजूद टीचर के पति की पिटाई कर दी गई।
लेक्चरर मुकेश के साथ मारपिटाई करने वालों में अब तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। इधर धरने पर बैठे शिक्षक मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बराड़ा से अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देख रहे हैं आप कि स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति किस तरह से होती जा रही है, और अब गुरु का वो दर्जा नहीं रह गया जिसके लिए हिंदुस्तान खासकर जाना जाता था, कि यहाँ पर शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, कैसे उन्हें पूजनीय माना जाता है। बड़ी खबर में इस रिपोर्ट को देख लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान ओपी सहरावत जी इस वक्त हरियाणा न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप शिक्षाविद हैं, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे और बात खबर है दिल्ली में जो हुआ, किस तरह से शिक्षक का कत्ल कर दिया गया, जिन बच्चों का पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं था, जो पढ़ते लिखते ही नहीं थे, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था, उनको उन्होंने स्कूल से निकाल दिया था, इसे लेकर कत्ल कर दिया गया। आज जो एक खबर आई है ये भी हैरान कर देने वाली कि नकल से रोकने पर टीचर की पिटाई, वो भी घर वालों ने आकर पीट दिया। वो एक बहुत ही पवित्र होता था, लोग दूसरे डिपार्टमेंट को छोड़ के टीचिंग डिपार्टमेंट में इसलिए आते थे कि वहाँ इज्जत थी जी, बिल्कुल। लेकिन अब स्तर इतना गिरता जा रहा है, इसके कारण बहुत सारे हैं, जिनमें से एक कारण ये भी है कि माँ बाप के जो संस्कार हैं वो बच्चे में जाते हैं और वो उस प्रकार से समाज जो है बच्चे का निर्माण नहीं कर पा रहा है जैसे पहले होता था। हाँ। पहले टीचर के ऊपर विश्वास किया जाता था, टीचर उनको पूरी आदर देता था और उनकी पढ़ाई का वो बच्चों की तरह से ध्यान रखता था। लेकिन अब क्या डिफरेंस क्यों आ गया है इसके बारे में, ये बहुत एक चिंतन का विषय है। रिजल्ट जो है डाउन जा रहे हैं और अनुशासनहीनता फैलती जा रही है। ये तो इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है, अनुशासनहीनता हो गया या फिर टीचर्स के प्रति आदर ना होना, या आपने माँ बाप का जिक्र किया, माँ बाप वाला पहलू क्या आप कहना चाह रहे थे सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ, शिक्षा विद्या बेहतर बता पाएंगे, क्या इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई है या बच्चों पर ध्यान नहीं देते, क्या है वजह? देखिये, माँ बाप के जो संस्कार है पहले जो गुरु के प्रति थे वो अब संस्कारों में कमी आई है, वो इज्जत की दृष्टि से उन बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डालते कि भाई तुमने अपने गुरु के कुछ पहले कह भी देते थे कुछ, किसी वो उनके फायदे के लिए गुरु कहता है। हाँ। वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, 90% गुरु उनके फायदे के लिए कहते हैं, 10% या 5% की मैं कह नहीं सकता कि वो उनमें दूसरे प्रकार के शिक्षक भी होते हैं, लेकिन 90% की आप लगा लीजिए वो बच्चे का हित चाहते हैं, और जब बच्चे का हित टीचर चाहता है तो उसके बीच में माँ बाप आकर के स्कूल में इस प्रकार की घटना करते हैं, तो इससे ये साफ स्पष्ट रूप से ये, और वो भी नकल के लिए, कहाँ नकल अगर बच्चे करेंगे तो उसका फ्यूचर बनेगा क्या? बच्चे के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये समाज में पहले टीचर्स के प्रति ये होता था, उसको गुरु का दर्जा दे करके उनको पूजनीय स्थान पर वो था, अब इस प्रकार की कोई बात रह नहीं गई है। स्कूल में जाकर के जब अंदर पिटाई करते हैं और फिर उसका कोई एक्शन नहीं होता, अभी FIR लिखी जा रही है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन होगी, पता होता है गांव में कितने आदमी हैं, क्या है, और ये तो तुरंत कार्रवाई की बात है। अगर इसमें अगर ढील ऐसे मामलों में ढील रखेंगे तो दूसरे बच्चे का साहस होगा, तीसरे का होगा, और इस प्रकार से किस प्रकार से अनुशासन रखे टीचर, किस प्रकार से वो मतलब अगर स्टूडेंट्स उनकी बात मतलब नहीं मानते हैं या वो नकल मतलब करने से बाज नहीं आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा चिंतन का विषय हमारे समाज के लिए भी, हमारे अधिकारीगण के लिए भी, हमारी सरकार के लिए भी। अगर इसके ऊपर हाँ। सीरियसनेस से विचार नहीं किया जाएगा हाँ। तो जो रिजल्ट्स पहले आ रहे हैं आपने देखा, 30% रिजल्ट है, 20% रिजल्ट है, 0% भी देखा है, और 0% रिजल्ट हाँ। अधिकतर 0% रिजल्ट है, बिल्कुल। तो मतलब कैसे आप रिजल्ट की उम्मीद करते हैं जब इस प्रकार की परिस्थितियां स्कूल में घटेंगी, घटनाएं होंगी हाँ। तो ये बहुत ही एक हम सबके लिए, समाज के लिए, और पूरे हम कौन से पौध को सींच रहे हैं, हम कौन सा पेड़ लगाना चाह रहे हैं कि अगर टीचर ने नकल से रोका तो हम टीचर की जाकर धुनाई कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं, हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हम उन्हें क्या जताने की कोशिश में हैं कि हम तुम्हें कौन सा माहौल दे रहे हैं, तुम खुले खुली छूट में हो, कुछ भी चाहो करो। देखिए, नैतिकता जो है इससे नीचे गिरती है हाँ। अगर टीचर का सम्मान नहीं होगा, उसका नैतिक पतन हो जाएगा तो ये समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
और ये ना सोचे कोई सरकार या अधिकारीगण कि अमुक स्कूल के वो बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, ये इसका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। और हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस प्रकार की घटनाओं पर जो है वो शीघ्र ध्यान देकर और सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए, और जो समाज के प्राणी हैं उनमें ये ज्ञान फैलाया जाए कि भाई बच्चे के हित के लिए तुम स्कूल में ना जा करके इस प्रकार की बातें ना करो, और प्रशासन सख्ती से पेश आए, पुलिस उसका एक्शन अच्छा ले, और तभी ये रुक सकती है। अदरवाइज बच्चों का नुकसान जो है बहुत मतलब इस प्रकार से रुक नहीं पाएगा। हमने इस तरह के केसेस में देखे अभी तक, जैसे मैंने दो जिक्र किया, दिल्ली में मैंने मर्डर वाली बात बताई, और ये जो खबर हरियाणा से निकल कर आई है मैं इस पर, जिस पर हम बात कर रहे हैं, नकल से रोकने पर टीचर की पिटाई, एक भी छात्र को विरोध में हमने खड़ा होते हुए नहीं देखा कि ये हमारे शिक्षक के साथ ऐसा क्यों किया गया। टीचर्स ने जरूर धरना दे दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, हम धरने से उठेंगे नहीं। शिक्षकों का गुस्सा यहाँ पर जान पड़ता है, अभिभावकों को यहाँ सोचना होगा कि आखिर वो किस दिशा में अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। देखिए ये इस जो सारे प्रकरण से तो ये पता लगता है कि जो टीचर्स हैं फिर वो शांत होकर के जो बच्चे करें उनको करने दिया जाए, माहौल को इस तरह से रिया कोई बोलेगा ही नहीं फिर तो। फिर इस प्रकार से जो है शिक्षा का पतन अवश्यंभावी है। एक तरफ तो ये गीता जयंती और उस पुराने संस्कारों से उत्प्रेरित होकर के ये कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा की मिसाल देखिए, जो गुरु हमारे वो जो सिखाते थे वो उनका मतलब यहाँ तक कि कहते हैं कि जो अकेले जो थे तो उन अंगूठा दे दिया अपने गुरु को। हाँ। और गुरु द्रोण का आज भी वो सम्मान है कि गीता में देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण तक जो एक स्वयं भगवान है वो उनको उसको मानते हैं। आप कहाँ एकलव्य, तो इस प्रकार की जब घटनाएं हाँ। होंगी हाँ। अभी समाज में पेरेंट्स जाकर के बच्चे के लिए नकल कराने के लिए उसको उत्साहित करेंगे तो उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, बच्चों को क्या बनाने जा, दिशाहीन कर रहे हैं बच्चों को, दिशाहीन कर रहे हैं। और ऐसे पेरेंट्स पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या सजा, औलाद को ये दिशाहीन कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं, टीचर्स के साथ मार पिटाई, तो ऐसे पेरेंट्स पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए ये बिल्कुल अटेम्प्ट है और ये कानूनन भी आप मतलब किसी को मारपीट नहीं कर सकते, तो इसके खिलाफ जो है प्रशासन इसकी इंक्वायरी करके 100 मतलब जो भी इसके मतलब धारा बनती है, अगर चोट ज्यादा आई है तो 325 है, 324 इतनी जबरदस्त पिटाई की गई है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। देखिए वे उस परिस्थिति में ग्रीवियस हार्ट इंजरी अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो इसमें जो है 307 भी लगती है। अच्छा। 325 हड्डी टूटने की दफा है, 326 हाँ। ग्रीवियस इंजरी है जो कि किसी चीज से अटेम्प्ट किया जाए और जो है घाव जो है 3-4 इंच से ज्यादा हो जाता है, तो ये किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। इसमें पुलिस जो है अगर निष्पक्ष होकर के जांच करेगी तो ये बहुत ही सीरियस मतलब मैटर है और इसको जो है उस प्रकार से गंभीर मसला है और इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है ही, ये प्रदेश और देश के भी भविष्य का सवाल है। ये सवाल इस बात का है कि हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। जांच को लेकर हमने बात कर ली, हम बात करेंगे कि कैसे अध्यापक और अभिभावक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के अभिभावक अपने बच्चों को और अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को एक सही दिशा दे सकते हैं, एक अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। इसी पर मैं लौटूंगी बात करने के लिए आपके पास, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। सांगवांस डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं, केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है, डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के फैसले और उनके काम कई अखबारों और कई टीवी चैनल पर जरूर नजर आते हैं, लेकिन गांवों में बसने वाले भारत पर शायद ही किसी की नजर जाती हो। मंदेड़ी गांव के सरपंच गुरविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। हमने गांव में पानी की समस्या थी, वार्ड वाइज हमने समस्तीबल छोटे बोर लगाए हुए हैं। और हम आ चुके हैं मोरथला गांव, लेकिन सबसे पहले यहां पर जो हमें मिला वो है गंदगी। हम तो तेरे देख लोग जी समझदार हो जाएंगे, ऐसा ऐसा काम सीख जाएंगे। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के एक और गाँव कलाल बाजरा हम पहुँच चुके हैं। गांव के रास्ते और हमारे गांव में कोई शादी के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था और उसका निर्माण कार्य चला हुआ है। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन, यहां आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई लाग रहा समेला रे, धर्म युद्ध जित होया उड़े खुशियां का फैला डेरा रे। गीता महोत्सव के अवसर पे देश प्रदेशा के नर नारी कलाकार और कामगार भाई जुड़री से जनता भारी। कुरुक्षेत्र में चलागे और ब्रह्म सरोवर नावागे, नाचना टेर सेमिनार संग गीता भी सुन पावागे। गीता सारी दुनिया में, गीता के संदेश पर चल के जीवन सफल बनाओ। 6 से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सादर आमंत्रित है। हरियाणा के जन जन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अमर संदेश आध्यात्मिक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अर्जुन को दिया था उसका प्रचार प्रसार हम सब दूर करें और इसको के साथ मनाएं। मारा हरियाणा। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल, 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन फिजिशियन गायनेकोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन पीडियाट्रिशियन, 24 घंटे कैथ लैब डायलिसिस ब्लड बैंक सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एडवांस पैथोलॉजी लैब ईएनटी एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। एमडीएलआर ग्रुप लेकर आए हैं एमडीके इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बराड़ा के मॉडल संस्कृति स्कूल में नकल से रोकने पर कुर्सियों से हमला कर दिया गया, जबरदस्त पिटाई हुई है टीचर की। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है, इस वक्त उपचाराधीन है,
लेकिन काफी गंभीर चोटें इस पिटाई में उन्हें आई हैं। क्या गुनाह किया था, नकल से रोका था, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस दिशा में ये बच्चे बढ़ रहे हैं जिसे हम भविष्य के तौर पर पुकारते हैं कि ये प्रदेश और देश का भविष्य है। हमारे साथ ओपी सहरावत है जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सहरावत जी, स्कूल का नाम देखिए, मॉडल संस्कृति स्कूल, और संस्कृति के नाम पर इन बच्चों के पास क्या है, खबर बता रहे हैं। देखिए, ये कुछ स्कूल सरकार में वो स्कूल हैं जो बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं, हाँ। और जिनके एजुकेशन के लिए जो बाकी स्कूलों से अलग हट करके टीचर्स हैं और जो इंटेलिजेंट टीचर्स हैं और जो मतलब एक क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो मतलब वेल क्वालिफाइड, वो इन स्कूलों में अपॉइंट किया जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की हालत है तो आप देखिए कि मतलब अगर एक एक्शन हो गया है कि एक टीचर एक बच्चे को सुधारना चाहता है और उस पर ऐसी बात होती है तो विभाग का क्या फर्ज बनता है? विभाग की सारी बात है, टीचर की बात नहीं सुन करके वो एक सरपंच, ग्रामवासी, नागरिक की बात सुनते हैं, टीचर की बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि टीचर के ऊपर तो उनका अंकुश है लेकिन उन ग्रामवासियों के ऊपर वो किसी का अंकुश नहीं है, वो केवल पुलिस का अंकुश है। भय या डर हो सकता है, वो भी हो नहीं पाता है, क्यों कि एक टीचर की वजह से डीओ या एसडीओ भी ग्रामवासियों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेंगे। एक सेंटर पर जाते हैं, बाहर 400 बच्चे नकल फेंक रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कह रही है। कोई ग्रामवासी वहां जाकर भाई हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, वो उनको उत्साहित और करते हैं। जब समाज की ये दिशाहीनता की तरफ समाज बढ़ेगा तो टीचर्स की वैल्यू नहीं रहेगी और टीचर्स का यही हाल होगा। टीचर्स को एक खिलौना समझ करके उसकी बेइज्जती करने का जो स्कूलों में बाकी वो आप देखिए पटवारी है, दूसरे हैं, उनकी अगर कुछ भी बात हो जाए तो सरकार एकदम एक्शन लेती है। टीचर को अगर मार भी दे, पीट भी दे, कोई बात भी कर दे, यार चलो कोई बात नहीं, आप तो गुरु हो, इस बात को छोड़ो यहीं, तो वो रफा दफा करके और ये बात कर दी जाती है तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। अब नैतिकता की बात खत्म होती जा रही है, उसका कारण ये है। नहीं तो पहले नैतिकता की बात, यार टीचर्स ने कह दिया तो बच्चे को उल्टा माँ बाप धमकाते थे घर आने पर, जरूर तुमने कोई बात ऐसी की होगी जो टीचर ने तुम्हारे को, तो ये सुनने में भी नहीं आता। मैं इसी को लेकर बात करना चाह रही थी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी मैंने कहा कि कैसे आपस में अभिभावक और टीचर सामंजस्य बिठा सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से टीच किया जाए। देखिए, ये जो सामंजस्य की बात है ये नैतिकता से आएगा। अच्छा। और नैतिकता की जब शिक्षा नैतिकता गिरती जा रही है, बेईमानी आती जा रही है, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेईमानी के कारण है। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन लोगों की नैतिकता क्यों डाउन हुई? एजुकेशन दूसरी तरफ करवट लेगी तो डाउनफॉल आ गया। अगर आप किसी विभाग में कैसा भी कर्मचारी आप भर्ती करेंगे और उसकी इंटेंशन नियत ये रहेगी कि मुझे जो है गलत तरीके से कमाना है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ईमानदारी खत्म होगी, नैतिकता नीचे जाएगी। एक अपनी बच्ची का शादी करने के लिए एक कर्मचारी को 40,000 रुपए मिलते हैं और वो 2-3 करोड़ शादी में लगाता है तो वो कहां से आता है? सबको मालूम है कि इसकी इतने सामर्थ्य नहीं है और ये इतना लगा रहा है। एक विभिन्न विभाग के अगर आप किसी भी जेई को मतलब लोग जो कहते हैं कि उनकी तरफ आप उंगली करके देखिए क्या संपत्ति उनकी पहले थी क्या अब थी, जो मतलब इस प्रकार से सारे देश में बेईमानी का जो बात है, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हमारे सारे नेता कहते हैं कि जब तक ये भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं मिटेगी और ये नैतिकता से आएगी, नैतिकता स्कूलों से आएगी। स्कूलों का जब ये हाल होगा, स्कूलों के टीचर्स का मतलब सम्मान ये होगा तो वो सम्मानजनक तरीके से टीचर्स जो है वो उनको जो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी है जो एक टीचर्स करता था वो नहीं कर पाएगा, उसका समाज को बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन जो शिक्षा का स्तर है जो नीचे जा रहा है। हम रोज मीटिंग करते हैं, हाई लेवल पर मीटिंग्स होती हैं कि क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर। सबसे जरूरी बात यही है कि जब नैतिकता, टीचर्स की नैतिकता पर आप डाउट करेंगे, आप टीचर्स की भर्ती करते समय उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो जो एबिलिटी नहीं देखेंगे और मतलब लो स्तर के टीचर्स भर्ती हो जाएंगे मतलब जान पहचान से किसी और कारण से, तो
तो उसका इफेक्ट समाज के बच्चों के ऊपर पड़ता है, और समाज के बच्चे अगर निर्माण उनका अच्छा नहीं होगा तो उससे हमारा देश और हमारा पूरा हरियाणा क्या, पूरे देश के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये बात सही नहीं है, सही नहीं है, और वो इफेक्ट दिख भी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बात सही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, और बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ कि मैसेज अभिभावकों तक पहुँचा भी होगा। इस खबर को देखने के बाद वाकई हैरान होना लाजमी सा हो जाता है कि एक टीचर के साथ ऐसी बदसलूकी कैसे की जा सकती है। फिलहाल हमें यही रुकना होगा। सराव जी बहुत शुक्रिया आने के लिए।